आज हम आपको वैक्सीन पॉलिटिक्स के बारे में बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि चीन ने WHO को जब अपनी वैक्सीन मान्यता के लिए भेजी तो WHO ने सिर्फ 9 हफ्ते में मान्यता दे दी, और जब भारत ने कोवैक्सीन को मान्यता के लिए WHO के पास भेजा तो उन्होंने 17 हफ्ते का समय लगाया। अब चीन में कोविड की जो इतनी बुरी स्थिति है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि चीन में बनी मेड इन चाइना कोविड वैक्सीन प्रभावी नहीं है, वो कोविड के साथ लड़ नहीं पा रही है। और आप हैरान रह जाएंगे कि जिन जिन देशों में चीन में बनी ये कोविड की वैक्सीन लगाई गई है उन देशों का भी इस समय बहुत बुरा हाल है। तो क्या WHO दुनिया से माफी मांगेगा? उन देशों में वो लोग जिन्होंने मेड इन चाइना वैक्सीन लगवाई उनसे WHO माफी मांगेगा? क्या चीन की सरकार उनसे माफी मांगेगी? और आप सोचिए, हमारी जो वैक्सीन थी कोवैक्सीन, वो चीन में बनी वैक्सीन के मुकाबले कहीं ज़्यादा प्रभावी है, कहीं ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद इस वैक्सीन पर भी, बाहर तो नहीं लेकिन हमारे अपने देश में भी बहुत राजनीति हुई थी। इसके बाद आपको बताएंगे कि ऐसे समय में क्या आपको एक और बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। आपके घर में आप भी लगातार इसके बारे में बात कर रहे होंगे कि बूस्टर डोज लगवाएं या नहीं लगवाएं, तो आज इसका जवाब आपको बताएंगे। और आज आपको ये भी बताएंगे, एक दुखद समाचार आया है सिक्किम से, जहां भारतीय सेना के 16 जवान एक सड़क दुर्घटना में शहीद हो गए। अंदाजा लगाइए, अभी हाल ही में तवांग में जो चीन के सैनिकों के साथ हमारा हिंसक संघर्ष हुआ था, हमने बड़े फक्र से बताया था कि हमने अपने एक भी जवान को खोया नहीं, कुछ लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। अब सोचिए, अगर उस संघर्ष में हमारे 16 जवान मारे गए होते, शहीद हो गए होते, तो हमारे देश में कितना हंगामा होता। लेकिन ये 16 जवान जिन्होंने हमने सड़क दुर्घटना में खो दिया, इन्हें चीन ने हमसे नहीं छीना, पाकिस्तान ने नहीं छीना, बल्कि हमारी अपनी सड़कों ने हमसे छीन लिया। किसी भी जवान के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तब होती है जब वो बिना लड़ाई किए, बिना हथियार चलाए वीर गति को प्राप्त हो जाए, और इन जवानों के साथ यही हुआ है। इसलिए आज इन पर बात करना और इन्हें श्रद्धांजलि देना भी जरूरी है। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में। आज तक पर।